क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, द फर्स्ट क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू। पहला क्वेश्चन तुम्हारा, एक मिनट तुम्हारा क्वेश्चन नंबर तुम्हारा ये वन है, ठीक है, टू हो गया है, ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर वन, थोड़ा नंबरिंग इधर हो गया, क्वेश्चन नंबर वन, ओके, व्हिच इज ट्रू अबाउट क्लीवेज इन द फर्टिलाइज एग्स इन ह्यूमन। ओके चलो मैं तुम्हारा पोल दे रहा हूं तुमको, चलो सो देखते हैं किसका आता है इसमें, टॉप में कौन आता है। सो ये तुम्हारा आ गया लीडर बोर्ड। ओके सो एकलव्य, सिद्धार्थ शंकर घड़े, सुभस्मिता दास। ओके तो व्हिच इज ट्रू अबाउट क्लीवेज इन फर्टिलाइज एग्स इन ह्यूमंस, तो ये तुम्हारा है करेक्ट है, इट स्टार्ट्स व्हाइल द एग इज इन द फेलोपियन ट्यूब, ठीक, तो ये तुम्हारा करेक्ट आंसर है, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके सो क्वेश्चन नंबर टू, तो क्वेश्चन नंबर नंबरिंग थोड़ा इधर हो गया। ओके द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स ऑफ मामालियन एम्ब्रियो आर डिराइव्ड फ्रॉम, ट्रोफोब्लास्ट, इनर सेल मास, फॉर्मेटिव सेल्स एंड फॉलिकल सेल्स। ओके सो मैं पोल तुमको दे रहा हूं इसका, चलो What are the extra embryonic membranes? Yes. So, tumhara answer aa gaya trophoblast. Anyone tell what are the extra embryonic membranes? Yes. Nisu, welcome to the class. Eh? What are the extra embryonic membranes? Kaun kaun se tumhare hote hain? Chorion. एमनियन, योक्सेक एंड अलांटोइस। ओके यस मेगा गुड, सो दे ऑल डिराइव फ्रॉम द ट्रोफोब्लास्ट, ठीक, एंड जो इनर सेल मास होता है, द इनर सेल मास, यस दैट इनर सेल मास विल डेवलप इनटू द एम्ब्रियो, ठीक। मेरा क्वेश्चन का नंबरिंग थोड़ा गड़बड़ा गया, नंबरिंग क्वेश्चन नंबर थ्री। ओके इन आर एग द टाइप ऑफ क्लीवेज इज डिटरमाइंड बाय द अमाउंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योर द नंबर ऑफ एग मेम्ब्रेन्स शेप एंड साइज ऑफ स्पर्म द। ओके इसका करो, इन आर एग द टाइप ऑफ क्लीवेज इज डिटरमाइंड बाय क्लीवेज किसके ऊपर डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योक मटेरियल। यस तो सुभाषान दास, सिद्धार्थ घड़े, सोनक सतपथी, कॉन्ग्रेचुलेशन है। अरे ये थोड़ा याद रखना, जो क्लीवेज होता है मतलब
द जायगोट अंडरगो क्लीवेज रैपिड माइटोटिक डिवीजन टू फॉर्म ब्लास्टोसिस्ट, उसके बाद वो इम्प्लांट होता है. ठीक, सो दैट क्लीवेज इज डिपेंड अपॉन व्हाट, द अमाउंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यॉर्क मटेरियल्स. समझ में आया? यस, वेरी गुड. ठीक, ये तुम्हारा हो गया क्वेश्चन नंबर फोर. फर्टिलाइजिंग इज ए केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड फ्रॉम. चलो, फर्टिलाइजर इज ए केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड फ्रॉम. फर्टिलाइजिंग इज ए केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड फ्रॉम पल्लवी, वेलकम टू द क्लास. सिद्धार्थ, यस, हैप्पी गुरु पूर्णिमा टू ऑल. देखो तो अभी रैंक में तुम्हारा कौन आ गया है? सुदर्शन दास आ गया, सिद्धार्थ घड़ी आ गया, सुश्री सिन्हा दास, कॉन्ग्रेचुलेशन. ठीक, फर्टिलाइजिंग इज ए केमिकल सब्सटेंस, ये केमिकल है, प्रोड्यूस फ्रॉम व्हाट, मैच्योर एग. कैन यू टेल ये कौन सा टाइप का केमिकल है? What kind of chemical is this one? Fertilizing. It is a kind of what? It is a kind of glycoprotein. ये glycoprotein होता है. It is a kind of glycoprotein. ये क्या करता है? It attracts the sperm of same species. Fertilizing anti-fertilizing reaction. Fertilizing attracts the sperm of the same species. It is a kind of glycoprotein or mucopolysaccharide. ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर फाइव. इन ह्यूमन बींग्स द एग्स आर, इन ह्यूमन बींग्स एग्स आर, ह्यूमन बींग का एग्स कौन से टाइप का होता है? ये इजी क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन का है, बहुत इजी क्वेश्चन है. इजी क्वेश्चन सर. मेरे को बताओ, डज द ह्यूमन एग कॉन्टेंट्स यॉक मटेरियल? अरे यॉक रहता है क्या? लेसिथल का मतलब होता है व्हाट? यॉक मटेरियल. मेजो मतलब इन द मीडियम अमाउंट ऑफ यॉक. माइक्रो मतलब वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ यॉक. माइक्रो मतलब जैसे कि तुम्हारा पोल्ट्री का अंडा हो गया, माइक्रो लिस्ट, उसमें बहुत सारे तुम्हारा क्या होते हैं, यॉक मटेरियल होता है. लेकिन ह्यूमन बींग में क्या होता है? यॉक एब्सेंट नहीं होता है. ए लेसिथल मतलब यॉक एब्सेंट, यॉक एब्सेंट, ए लेसिथल. ओके, क्वेश्चन नंबर सिक्स. ब्लास्टोपोर इज एन ओपनिंग ऑफ, ब्लास्टोपोर इज एन ओपनिंग ऑफ आर्चेंटेरॉन ब्लास्टोसील सिलोम एलिमेंट्री कैनल. ब्लास्टोपोर इज एन ओपनिंग ऑफ आर्चेंटेरॉन ब्लास्टोसील सिलोम एलिमेंट्री कैनल. ये होता है आर्चेंटेरॉन. एनीवन टेल व्हाट इज आर्चेंटेरॉन? इसका मतलब क्या होता है? व्हाट इज आर्चेंटेरॉन तुम्हारा क्या होता है? कैविटी इनसाइड गैस्टुला, उसको हम बोलते हैं आर्चेंटेरॉन बोलते हैं. इसका जो ओपनिंग होता है ब्लास्टोपोर, दैट बिकम्स योर फ्यूचर माउथ. ये तुम्हारा फ्यूचर माउथ होता है ब्लास्टोपोर, याद रखना, फ्यूचर माउथ. यस,
आर्च इंटरॉन, और ये सब टिपिकल क्वेश्चन है तुम्हारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन, क्वेश्चन नंबर सेवन, ओवुलेशन इन ह्यूमन फीमेल्स नॉर्मली टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल, कब होता है, कब होता है ओवुलेशन, वेयर यू विल फाइंड ओवुलेशन, कब होता है ओवुलेशन मेंस्ट्रुअल साइकिल में, एट द मिड ऑफ द सेक्रेटरी फेज, जस्ट बिफोर द एंड ऑफ द सेक्रेटरी फेज, एट द बिगिनिंग ऑफ प्रोलिफरेटिव फेज, एट द एंड ऑफ द प्रोलिफरेटिव फेज, बताओ। जो कमेंट में करेगा उसको मैं ब्लॉक कर दूंगा, ये पॉलिसी है बेटा, तो प्लीज डोंट गिव आंसर इन द कमेंट बॉक्स, ओके, और कमेंट दो तो पोल करने का क्या फायदा बताओ, जो कमेंट देगा ठीक कमेंट बॉक्स में आई विल ब्लॉक दैट स्टूडेंट्स। एट द एंड ऑफ द प्रोलिफरेटिव फेज, और वी कैन से हमारा फोर फेजेस होते हैं, मेंस्ट्रुअल फेज, प्रोलिफरेटिव फेज, ओवुलेशन फेज, सेक्रेटरी फेज, तो जस्ट एट द एंड ऑफ द प्रोलिफरेटिव फेज और एट द बिगिनिंग ऑफ द ओवुलेटरी फेज, एट द मिड ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल देयर इज द ओवुलेशन। देन क्वेश्चन नंबर आपका हो गया एट, इन ओगेमी फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व, क्या होता है ओगेमी में, व्हाट हैपेंस इन ओगेमी, ओगेमी इज ए टाइप ऑफ एन आइसोगेमी, तुमको पता होगा इट इज ए टाइप ऑफ एन आइसोगेमी, इसमें तुम्हारा क्या होता है ओगेमी में, तुम्हारा ए लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेट आपका लार्ज होता है ठीक, एंड ए स्मॉल मोटाइल मेल गैमेट, जो स्पर्म होता है बहुत छोटा होता है एंड वो आपका मोटाइल होता है, फ्रेजाइल होता है, दैट इज कॉल्ड ओगेमी, इट इज ए काइंड ऑफ एन आइसोगेमी ठीक, a large non-motile female gamete ovum and a small motile male gamete that is the sperm. What is grey crescent area? What is grey crescent area? ये सब तुम्हारा previous year का AIPMT का तुम्हारा question है। इतना भी क्वेश्चन तुमको दे रहा हूं मैं, तुम्हारा प्रीवियस ईयर तुम्हारा जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम वगैरह थे वहां पे ऐसा सब क्वेश्चन गिरता था, क्योंकि तो तुम्हारा एनटीए अभ्यास में देखना थोड़ा क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी भी जा रहा है। यस आर्यन बेटा अस्सलाम वालेकुम, एनटीए अभ्यास में कुछ क्वेश्चन तुम्हारा आउट ऑफ एनसीईआरटी जा रहा है, सो हम कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे आउट ऑफ एनसीईआरटी भी देखेंगे। यस विश्वरंजन तुम्हारा डाउट क्या पूछो, व्हाट इज डाउट, समझा रहा हूं तुमको, ओके बताऊंगा मैं, बता दूंगा ठीक, थोड़ा तो समझा, पहले इसका आंसर तुम बता दे रहा हूं, ग्रे क्रिसेंट एरिया जो तुम्हारा होता है ठीक, सपोज ये तुम्हारा ओवम हो गया, ओवम हो गया ठीक, तो आंसर ये तुम्हारा होगा, सपोज यहां पे तुम्हारा स्पर्म एंटर किया, इस पॉइंट में तुम्हारा स्पर्म एंटर किया ठीक, ओपोजिट टू स्पर्म एंटर, तो मतलब ये जो एरिया तुम्हारा है ओपोजिट एरिया, ये एरिया तुम्हारा हो गया ठीक, इसको हम बोलेंगे ग्रे क्रिसेंट एरिया ठीक, इसको हम बोलेंगे ग्रे, मतलब स्पर्म का एंट्री के ओपोजिट, ओके यस, which era is dubbed as the age of prokaryotic microbes,
विच इज कॉल्ड एज ऑफ प्रोकैरियोटिक माइक्रोब्स. एक तुम्हारा इवोल्यूशन का क्वेश्चन आ गया, विच इज कॉल्ड एज ऑफ प्रोकैरियोटिक माइक्रोब्स. Which is called age of prokaryotic microbes. Age of prokaryotic microbes. Okay. इसका पोल बहुत खराब आया है. ठीक. That is called pre-Cambrian era. थोड़ी इवोल्यूशन में देख लेना ये वाला सब. ठीक है. दैट इज कॉल्ड प्री कैम्ब्रियन एरा को हम बोलते हैं एज ऑफ द प्रोकैरियोटिक माइक्रोब्स. द करंट सीक्वेंस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ द गैसेस ऑन द प्रिमिटिव अर्थ इज. कौन सा इसका करेक्ट सीक्वेंस तुम्हारा है प्रिमिटिव अर्थ में? ये जो तुम्हारा टेस्ट है तुम्हारा होल जूलॉजी पोर्शन का तुम्हारा है, इससे हर जूलॉजी पोर्शन का तुम्हारा क्वेश्चन गिरेगा. द करेक्ट सीक्वेंस फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ गैसेस और केमिकल्स इन द प्रिमिटिव अर्थ इज. So, देख लो यहां पे तुम्हारा पोल का रिजल्ट तो ये होगा. ठीक. पहले आया एमोनिया वाटर न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन, ये सीक्वेंस तुम्हारा. ठीक. एमोनिया वाटर न्यूक्लिक एसिड देन प्रोटीन. न्यूक्लिक एसिड में पहले तुम्हारा आया आरएनए आया. ठीक. आरएनए फर्स्ट लाइफ ऑन अर्थ वाज. सियानोबैक्टीरिया किमो हेटरोट्रोप्स ऑटोट्रोप्स फोटोट्रोप. जो टॉप थ्री में वो अपना पोजीशन तो पकड़े रखे हैं. सिद्धार्थ घरे पूरा जोश में पूरा है. सिद्धार्थ लगता है इस बार नीट हो जाएगा. नहीं, ऑल इंडिया में टॉप रैंक आना चाहिए. बहुत दिनों के तुम ट्राई कर रहे हो, तुमको देख रहा हूं बहुत दिनों तुम ट्राई कर रहे हो. इस बार तुम्हारा आना चाहिए मोर देन 550 आना चाहिए. ठीक. सॉरी 550 बोलो 650. सिद्धार्थ शंकर घड़ई, सिद्धार्थ शंकर घड़ई, कीर्ति सिद्धार्थ शंकर, दो 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 सिद्धार्थ है यहाँ पे. सिद्धार्थ शंकर, सिद्धार्थ घड़ई, कीर्ति, कीर्ति बीच में. ठीक. ठीक. अरे जब तुम टॉप हो जाओगे तो मेरे याद रखोगे कि नहीं? कुछ तो तुम्हें हेल्प कर रहा हूं मैं. कीमो हेटरोट्रोप्स. ठीक. याद कर लेना कि कोई सर थे हमको कुछ ऐसा प्रैक्टिस करवा रहे थे क्वेश्चन वगैरह. Which one of the following experiments suggests that simplest living organisms could not have originated spontaneously from non-living matter? सब तुम एक कॉपी लेके नोट डाउन करो, तुम कितना ठीक कर रहे हो कितना गलत कर रहे हो नोट डाउन करो. ठीक. अगर ठीक होता है तो यू गिव द प्लस 4 मार्क, अगर नेगेटिव होता है तो टोटल जो एक मार्क्स माइनस करो, लास्ट में कैलकुलेट करो कितना हो रहा है. एक पेन पेपर पकड़ो, करेक्ट करो कितना ठीक हो रहा है कितना गलत हो रहा है, कैलकुलेट करो. तुमको अपना असेसमेंट पता चल जाएगा जूलॉजी में तुमने कितना पढ़ा है. बिकॉज आज हम हर टॉपिक से क्वेश्चन डिस्कस हम कर रहे हैं फ्रॉम एवरी टॉपिक. ठीक. कुछ एक्सपेरिमेंट है, जैसे तुम्हारा एक्सपेरिमेंट डन बाय लुईस पाश्चर. ठीक. मीट वॉज नॉट स्पॉइल्ड व्हेन हीट एंड कैप्ट सील्ड इन ए वेसल. देयर आर सम एक्सपेरिमेंट.
फ्रांसिस्को रेडी, लाजारो स्पालांजेनी, लुइस पेस्टर, इन तीनों ने कुछ एक्सपेरिमेंट किया था, उसको थोड़ा पढ़ लेना। फ्रांसिस्को रेडी, लाजारो स्पालांजेनी एंड लुइस पेस्टर, तो उनका एक्सपेरिमेंट में ये कॉन्सेप्ट तुम्हारा है। इट वॉज नॉट स्पॉइल्ड व्हेन इट हिटेड एंड केप्ट सील्ड इन ए वेसल, बिकॉज उसमें लाइफ लाइफ कम फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, उसको यहाँ पे प्रूव किया गया है। The concept of chemical evolution is based on, the concept of chemical evolution is based on, चलो चलो बच्चों क्विकली करो इसको। The concept of chemical, थोड़ा evolution chapter अच्छा से पढ़ लेना, क्योंकि evolution से तुम्हारा सब गया बहुत बच्चों। यस सौनक नमस्ते, तुम्हारा रैंक कहाँ गया? एक बार रैंक है, उसके बाद रैंक ही तुम्हारा नहीं आ रहा। सौनक एक बार टॉप में तुम्हारा आ गया, उसके बाद और रैंक नहीं आ रहा है तुम्हारा। ठीक सिद्धार्थ अपना क्वेश्चन में कीर्ति, इन तीनों दो साइड में दो सिद्धार्थ, बीच में कीर्ति। ठीक तो ये वाला, ठीक। The concept of chemical evolution is based on possible origin of life by combination of chemicals under suitable environmental conditions. Okay. Then question number 15. इसको matching करो. Which one is the correct match? ये भी बहुत बच्चों का गलत ही होगा मेरे को लग रहा है। जो तुम्हारा होता है drug and alcohol abuse, उसको भी तो अच्छा से पढ़ लेना। ड्रग एंड अल्कोहल एब्यूज को पढ़ लेना अच्छा से। तुम्हारा जो है तुम्हारा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में ड्रग एब्यूज अल्कोहल एब्यूज, उससे ही बहुत क्वेश्चन गिरता है तुम्हारा। निशु बेटा तुम्हारा गलत क्यों हो जा रहा है हर बार? अच्छा से पढ़ो, डॉक्टर बनना है कि नहीं बनना है? ठीक ओके यस निशु, अरे निशु तुम्हारा तो ठीक आया है, यहाँ पे टॉप थ्री में दिखा रहा है, गलत कैसे हो? रिजर्वाइन इट इज ए ट्रांकुलाइजर। रिजर्वाइन तुम्हारा क्या होता है? इट इज ए केमिकल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ए प्लांट, राउल्फिया सर्पेंटियाना, एक तुम्हारा प्लांट होता है। ठीक राउल्फिया सर्पेंटियाना, उससे एक्सट्रैक्ट किया था। ट्रांकुलाइजर मतलब क्या? What they do, इसका फंक्शन क्या होता है ट्रैंकुलाइजर का? They reduce your anxiety, they reduce your stress without inducing sleep. Barbiturates होते हैं sleeping pill. They reduce anxiety by producing the sleep condition. But ट्रैंकुलाइजर तुम्हारा क्या होता है? You will remain active. तुम active भी रहोगे और तुम्हारा depression भी कम होगा, anxiety भी तुम्हारा कम होगा। ट्रैंकुलाइजर उसको बोलते हैं। ठीक ट्रैंकुलाइजर तो रिजर्वाइन का एक्सेसिव डोज से सुसाइडल टेंडेंसी डेवलप होता है। रिजर्वाइन का एक्सेसिव डोज से सुसाइडल टेंडेंसी डेवलप होता है, याद रखें। 16 देख लो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पर्टिकुलर साइकोट्रोपिक ड्रग स्पेसिफाइड। Yes. लेकिन टॉप में तुम्हारा पोजीशन नहीं आ रहा निशु, रैंक एक या टू थ्री में लाओ, देन आई विल बी हैप्पी।
वही यस निशु आ गया यस वेरी गुड डन वेल डन निशु कीर्ति सिद्धार्थ गड़े तो ये होगा आंसर है हसीस कॉजेस आफ्टर थॉट परसेप्शंस एंड हेलुसिनेशंस गिव द करेक्ट मैचिंग ऑफ कॉजेटिव एजेंट जर्म एंड डिजीज अच्छा से पढ़ो दैट इज आस्किंग अबाउट कॉजेटिव एजेंट नॉट फैक्टर दैट इज आस्किंग अबाउट कॉजेटिव एजेंट मतलब कौन करता है ठीक देख लो पोल का रिजल्ट देख लो निशु कीर्ति सिद्धार्थ गड़े अरे ये पूछ रहा है कॉजेटिव एजेंट पैथोजेन मलेरिया लेस्पेनिया दे आर द कैरियर एजेंट बट पूछी रेरिया फाइलेरियासिस ठीक मलेरिया इज कॉज द प्लाज्मोडियम एंड दैट इज ट्रांसमिटेड बाय एनोफिलिस तो इट इज आस्किंग अबाउट द कॉजेटिव एजेंट नॉट द वेक्टर एनोफिलिस लेस्पेनिया ये सब का ऐसा वेक्टर सब है ठीक विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी क्यूरेबल इन नेक्स्ट टू डिकेड्स मतलब कौन सा जो इसमें डिजीज है वो आने वाले समय में पूरा क्यूरेबल हो जाएगा पूरा क्यूरेबल है आने वाले समय में इट विल टेक टाइम बट इट विल बी क्यूरेबल देखते इसका आंसर कौन देता है आने वाले समय में कौन सा तुम्हारा कंप्लीटली पूरा क्यूरेबल हो जाएगा इट विल टेक टू डिकेड्स इट विल टेक टू डिकेड्स बट इट विल बी क्यूरेबल ओके तो इसका तुम्हारा क्या होगा कैंसर ठीक बिकॉज हा बिकॉज इन द कमिंग टाइम विल डेवलप मोर इन द फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी रिगार्डिंग जीन ठीक तो आने वाले समय में हमारा बायोटेक बहुत डेवलप हो जाएगा ठीक द जीन थेरापी जो ऑन्कोजिन्स का जो ट्रीटमेंट वगैरह वर्ल्ड डेवलप हो जाएगा तो ड्यू टू द डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ जीन थेरापी ट्रीटमेंट ऑफ ऑन्कोजिन्स बायोटेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ जेनेटिक्स so we can cure the cancer because cancer का cause तुम्हारा क्या होता है activation of oncogenes okay which disease of man is similar with cattle's bovine spongiform encephalopathy एक typical question तुम्हारा है तुमने पढ़ा होगा इसके बारे में भी A disease of the human being that is similar with the bovine encephalopathy. मैं बता दे रहा हूं उसका जो causative agent होता है वो prion होता है prions. The infective proteins prions. तो कैटल्स और बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म एनसेफालोपैथी इट इज ऑल्सो कॉल्ड मैड काउ डिजीज इट इज ऑल्सो कॉल्ड मैड काउ डिजीज सो मैड काउ डिजीज एंड योर जैकॉब क्रूटफील्ड डिजीज आफ्टर द नेम ऑफ द टू साइंटिस्ट ठीक सो दिस टू डिजीज आर कॉल्ड बाय इन्फेक्शियस प्रोटीन दैट इज द प्रियोन्स इट इज अ काइंड ऑफ न्यूरो degenerative disease ठीक तो ये तुम्हारा होगा जैकॉब
रीजन व्हाई एंटीबॉडीज कुड नॉट सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ बैक्टीरिया मेडिएटेड डिजीज. ओके, तो इसका तुम्हारा देख लो. चलो the main reason why antibodies you see here. Okay, so development of mutant strains resistant to antibodies. चलो तो आंसर, दैट इज द रीजन दैट एंटीबॉडीज विल कुड नॉट सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ बैक्टीरिया मेडिएटेड डिजीज. द बैक्टीरिया दे विल डेवलप रेजिस्टेंट अगेंस्ट द म्यूटेंट स्ट्रेन. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बायोमेडिकल टेक्नोलॉजी. पढ़ो, 1, 2, 3 बार पढ़ो. व्हिच टू ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. कौन सा करेक्ट है? तो अच्छा से पढ़ो. सो 21 कौन सा करेक्ट है? 1 and 3 करेक्ट वो पूछ रहा है, मतलब इसमें 1 करेक्ट है एंड तुम्हारा 3 करेक्ट है. ठीक, ड्यूरिंग ओपन हार्ट सर्जरी ब्लड इज सर्कुलेटेड. बता रहा हूं, ड्यूरिंग ओपन हार्ट सर्जरी ब्लड इज सर्कुलेटेड इन द, ये ठीक तुम्हारा है. ब्लॉकेज इन द कोरोनरी आर्टरी इज रिमूव्ड बाय एंजियोग्राफी. एंजियोग्राफी इज द एक्सरे टेक्निक, उसको एंजियोप्लास्टी बोलते हैं. यस, एंजियोप्लास्टी, ये एंजियोग्राफी है, मतलब हम एक्सरे फोटोग्राफी ले रहे हैं. तो ये रॉन्ग हो गया ना, ये तो तुम्हारा रॉन्ग है तुम्हारा. यस, दैट इज आल्सो कॉल्ड बैलून कैथेटराइजेशन. वेरी गुड, क्रोमैग्नन मैन. ओके, साइंटिस्ट पिन पॉइंटेड the location of color processing perception center in human visual cortex by method named. मतलब साइंटिस्ट आइडेंटिफाइड इसका पोल बहुत मतलब खराब आया है, उसका जो पोल है बहुत खराब है. यस, आंसर इसका तुम्हारा होगा, ये होगा इट पॉजिट्रॉन. तुम्हारा एमिशन टोमोग्राफी, पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन तुम्हारा एमिशन टोमोग्राफी एक तुम्हारा टेक्निक तुम्हारा होता है. हाँ सर, थोड़ा और ऑप्शन के बारे में भी बोलिए. यस, ये तुम्हारा होता है पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन एमिशन तुम्हारा टोमोग्राफी. ठीक, इसमें तुम्हारा क्या होता है, तुमने पढ़ा होगा फिजिक्स में अबाउट साइक्लोट्रोन, तुमने पढ़ा होगा, तुमने पढ़ा हो तो फिजिक्स में साइक्लोट्रोन पढ़ा है कि नहीं. ओके, इससे तुम्हारा क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस तुम्हारा होता है, लाइक तुम्हारा कार्बन का 13
लाइक दैट तुम्हारा, सॉरी कार्बन का 11, कार्बन का 11, नाइट्रोजन का 13, ऑक्सीजन का 15 एंड एफ का 18. सो इनको हम बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड पॉजिट्रॉन, इनको हम बोलते हैं पॉजिट्रॉन, ठीक, पॉजिट्रॉन बोलते हैं. सो दीज आर प्रोड्यूस फ्रॉम साइक्लोट्रॉन, तो इसको भी हम यूज करते हैं टेक्निक के बारे में, ठीक. ये सब तुम्हारा प्रीवियस ईयर का एम्स का क्वेश्चन तुम्हारा है. द क्रिस्टल ऑफ लीड जिर्कोनेट इज ए की कंपोनेंट ऑफ, ये तुम्हारा एम्स का क्वेश्चन तुम्हारा है. द क्रिस्टल ऑफ लीड जिर्कोनेट इज ए की कंपोनेंट ऑफ, चलो देखते, ये तुम्हारा कुछ एम्स का क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर, क्योंकि तुम्हारा एम्स इस बार मिल गया ना, तो थोड़ा उसका एम्स का भी क्वेश्चन सब देख लेना, प्रीवियस ईयर का एम्स क्वेश्चन देख लेना, प्रीवियस ईयर का जिपमर क्वेश्चन देख लेना, तो करवा रहा हूं तुम लोगों को, क्योंकि अभी नीट में तुम्हारा क्या एम्स मर्ज हो गया है, तुम्हारा जिपमर तुम्हारा मर्ज हो गया है, तो ऑब्वियसली थोड़ा क्वेश्चन स्टैंडर्ड ही आएगा, एनसीईआरटी बेस्ड ही होगा, लेकिन थोड़ा स्टैंडर्ड होगा. सो देख लो ये, यस, सिद्धार्थ गढ़े कीर्ति, ओके. सो ये होगा तुम्हारा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, ठीक. इन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी जो इंस्ट्रूमेंट होता है, देयर वी यूज द क्रिस्टल्स ऑफ लीड जिर्कोनेट, व्हिच इज करेक्ट, कौन सा इसमें तुम्हारा करेक्ट है, इसमें से कौन सा तुम्हारा करेक्ट है, व्हिच इज करेक्ट, कौन सा इसमें करेक्ट है, सीवी फ्राइज डिस्कवर द ट्रांसमिशन मेथड्स इन हनी बी, ए मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक. सीवी फ्राइज डिस्कवर द ट्रांसमिशन ऑफ मेथड, मतलब ये मेथड ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द वर्किंग हनी बीस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वायरल डिजीज ऑफ पोल्ट्री, तुम्हारा जो चैप्टर है एनिमल हस्बेंड्री, ये उससे तुम्हारा क्वेश्चन है, एनिमल हस्बेंड्री का भी थोड़ा क्वेश्चन भी देख लेना थोड़ा, कोराइजा, न्यूकास्टल डिजीज, पास्टरोलोसिस, साल्मोनेलोसिस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वायरल डिजीज, ये सब टिपिकल क्वेश्चन है. तो तुम्हारा वो चैप्टर तुम्हारा है एनिमल हस्बेंड्री चैप्टर तुम्हारा है, ये तुम्हारा उससे है, ठीक, फ्रॉम एनिमल हस्बेंड्री चैप्टर से तुम्हारा है. न्यूकास्टल, इट इज ऑल्सो कॉल्ड रानीखेत बीज को बोलते हैं, याद रखना, इट इज ऑल्सो कॉल्ड रानीखेत डिजीज, ओके. इट इज ए टिपिकल वायरल डिजीज ऑफ पोल्ट्री, न्यूकास्टल ऑल्सो कॉल्ड रानीखेत डिजीज, ये spoiled hay of sweet clover which contains ducomarol, तो उससे तुम्हारा क्या होगा,
ये क्वेश्चन देखो बहुत से एग्जाम में रिपीट भी हो चुका है, ये क्वेश्चन तुम्हारा रिपीट भी हो चुका है 2004-08 में रिपीट हो चुका है दो बार। Cattle fed with the spoiled hay. Okay? वो sweet clover poisoning करता है, उसको हम बोलते हैं sweet clover poisoning. It is a poisoning case. That is called sweet clover poisoning. ये कहलाता है. They may suffer vitamin K deficiency and prolonged bleeding होता है cattle में. ठीक? Spoiled hay of sweet clover. एक प्लांट, इसमें केमिकल होता है डिक्को मारू, ये पॉइजनिंग करता है, ठीक? मे सफर फ्रॉम विटामिन के डेफिशिएंसी एंड प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग। ट्वेंटी सेवन, ये डायग्राम थोड़ा देखो, ये डायग्राम में तुम्हारा क्या शो कर रहा है? द पेशेंट इन द पिक्चर पॉसिबली डिपिक्स अनिश्चान सब पॉसिबली क्या डिपेक्ट कर रहे हैं डायग्राम में, पिक्चर देख लो एक बार, थोड़ा जूम कर दे रहा हूं, ठीक? ये पिक्चर में तुमको क्या शो कर रहा है? चलो पोल स्टार्ट करते हैं। What the picture is showing? ये hormonal disorder है पिक्चर में, ये तुम्हारा क्या शो कर रहा है? ठीक, ये तुम्हारा शो कर रहा है एक्रोमेगाली, मतलब एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन द एडल्ट स्टेज, एक्रोमेगाली। मतलब देखो हाथ का जो बोन, हाथ का साइज बड़ा हो गया, फेस का साइज उसका बड़ा हो गया, मतलब देयर इज द इंक्रीज इन द साइज ऑफ बोन्स ऑफ द फेस, बोन्स ऑफ द हैंड्स, साइज बढ़ गया, मतलब एडल्ट स्टेज में देयर इज द इंक्रीज सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, एक्रोमेगाली। According to the accepted concept of hormone action, if receptor molecules are removed from target organ, then the target organ will देख लो ये तुम्हारा नॉट रेस्पॉन्ड टू ए, नॉट रेस्पॉन्ड टू द हार्मोन। अगर रिसेप्टर ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो द ऑर्गन विल नॉट रेस्पॉन्ड टू द हार्मोन। ट्वेंटी नाइन, ए पेशेंट ऑफ डायबिटीज मेलाइटस एक्सक्रीट्स ग्लूकोज इन यूरिन इवन व्हेन ही इज केप्ट इन कार्बोहाइड्रेट फ्री डाइट, इट्स बिकॉज।
ए पेशेंट ऑफ डायबिटीज मेलाइटस एक्सक्रीट्स ग्लूकोज इन द यूरिन व्हेन इज केप्ट ए कार्बोहाइड्रेट फ्री डाइट। देखो तो पेशेंट को डायबिटीज मेलाइटस है, मतलब उसका जो ग्लूकोज मेटाबोलाइज नहीं हो रहा है। इन द ब्लड वी हैव द हाई लेवल ऑफ ग्लूकोज, तो यूरिन में भी ग्लूकोज आ रहा है। सपोज दैट आदमी दैट पर्सन इज नॉट टेकिंग द दिस कार्बोहाइड्रेट डाइट, फिर भी तुम्हारा क्या होगा, उसके बॉडी में जो फैट होगा वो कन्वर्ट होंगे ग्लूकोज को, और वो ग्लूकोज तुम्हारा यूरिन में बाहर आएगा। तो फैट्स आर कैटाबोलाइज्ड इन एडिपोज टिश्यू टू फॉर्म ग्लूकोज, अगेन वो ग्लूकोज भी बॉडी में मेटाबोलाइज नहीं होगा, ठीक, और वो तुम्हारा यूरिन में आएगा। ठीक, ये वाला enzymes, vitamins and hormones can be classified into a single category of biological chemicals because all of them देख लो सिद्धार्थ कीर्ति विश्व, तो वेरी ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल तुम्हारा ये वाला होगा। दे एड इन रेगुलेटिंग सेलुलर मेटाबॉलिज्म एंजाइम्स विटामिन्स हॉर्मोन्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर पैराथॉर्मोन, कौन सा इसमें तुम्हारा ट्रू है पैराथॉर्मोन के लिए? इसमें से तुम्हारा कौन सा ट्रू है फॉर पैराथॉर्मोन? व्हिच इज ट्रू फॉर पैराथॉर्मोन? व्हिच इज ट्रू फॉर पैराथॉर्मोन? Yes. It increases blood calcium level and decreases calcium store from the bone. Okay? मतलब तुम्हारा बोन से कैल्शियम माइग्रेट होगा ब्लड स्ट्रीम में। When sound waves strike pinna and vibration reaches organ of Corti on basilar membrane, तो क्या होता है? एक बार पढ़ लो अच्छा से, ठीक, जस्ट हैव रेडी। So, देख लो तुम्हारा, ओके, तो ये वाला सेंसरी हेयर्स अंडर गो बेंडिंग स्टिमुलेटिंग द सेंसरी सेल्स एंड क्रिएटिंग, ये वाला आंसर तुम्हारा होगा, ओके, तो ये वाला आंसर तुम्हारा होगा। देन क्वेश्चन नंबर 33, बाय विच नर्वस सिस्टम एंड व्हाट टाइप ऑफ ब्लड इज सप्लाइड टू द विसरल ऑर्गन। मतलब विसरल ऑर्गन में नर्वस सिस्टम का कौन सा पार्ट सप्लाई है,
इसमें बहुत तुम्हारा सिंपैथेटिक भी है, पैरासिंपैथेटिक तुम्हारा है एंड तुम्हारा इनवॉल्यूंटरी. एक डायग्राम बेस्ड तुम्हारा क्वेश्चन है. इन द डायग्राम ऑफ द लेटरल व्यू ऑफ द ह्यूमन ब्रेन, तो थोड़ा देख लो इसको, एक डायग्राम थोड़ा देख लो, देखते हैं इसका कौन, थोड़ा मैं दे रहा हूं इसका तुम्हारा आंसर कौन करता है तुम्हारा स्पीड. वेरी गुड, मतलब बहुत से बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है. So D 35. तुमको कलम तुमको यहाँ पे मैच करना है, मैच द कलम, हेमिप्लेजिया, सेरेब्रल थ्रोम्बोसिस, एपिलेप्सी, अफासिया. चलो जितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन थोड़ा लग रहा है मेरे को, तुम लोग उसको बहुत इजीली आंसर दे रहे हो. चलो तो इसका थोड़ा देख लेना बच्चा लोग, डी ऑप्शन थोड़ा देख लेना. ठीक, थोड़ा मैं फास्ट चल रहा हूं अभी. 36. द सिंपैथेटिक नर्व्स इन मामल्स अराइज फ्रॉम, सिंपैथेटिक कहां से निकलता है? ठीक, ये तुम्हारा होगा थोराको लंबर आउटफ्लो. पारासिंपैथेटिक होता है क्रैनियोसैक्रल आउटफ्लो. ठीक, पारासिंपैथेटिक होता है तुम्हारा क्रैनियोसैक्रल आउटफ्लो, ये तुम्हारा थोराको लंबर आउटफ्लो. थर्टी सेवन. चलो जल्दी So, 37 का तुम्हारा होगा बच्चा लोग बी. ठीक, 37 का तुम्हारा होगा बी. थर्टी एट. Injury to the vagus nerve in man is not likely to affect. किसको इफेक्ट नहीं करेगा वेगस का इंजुरी? ठीक, वो तुम्हारा होगा टंग मूवमेंट. ठीक, बिकॉज टंग में तुम्हारा है हाइपोग्लोसल, उसमें सप्लाइड है, तो वेगस का इंजुरी तुम्हारा टंग को इफेक्ट नहीं करेगा. ठीक, 39.
39. ओके, तो पहले इनर सरफेस में नेगेटिव होता है, ठीक, पहले इनर में तुम्हारा नेगेटिव होता है, ठीक, उसको हम पोलराइजेशन बोलते हैं, देन इनर में पॉजिटिव होता है डीपोलराइजेशन, देन अगेन रीपोलराइजेशन, ठीक, तो फर्स्ट नेगेटिव देन पॉजिटिव, ये तुम्हारे नीट में आता है, देख लेना थोड़ा, ठीक। तुम्हारा नेसेसरी फॉर यानी कि मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए क्या तुम्हारा चाहिए यहाँ पे, ये तुम्हारा चाहिए कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ठीक, ये तुम्हारा चाहिए कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, जॉइंट को मैचिंग करो, ओनली आई एम गिविंग वेरी फ्यू सेकेंड्स होल के लिए। ग्लाइडिंग जॉइंट बिटवीन जाइगोफाइसिस ऑफ सक्सेसिव वर्टिब्रा, ये होगा इसके आंसर तुम्हारा ए होगा, ठीक है। टाइम बेटा लोग ओवर हो गया, ठीक, तो 43 क्वेश्चन हो पाया, सो क्लास तुम्हारा ओवर हो गया, नेक्स्ट में फिर हम करेंगे, सो